सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी ये कमेंट करके भी बता देना। तो चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें पहन लीजिए, वेंडिगो की एक खौफनाक कहानी शुरू हो रही है। ब्रैड एक काफी बड़ा चोर था, जिसने काफी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था, और वो जेल से फरार था। वो रूप बदलकर आम लोगों के बीच घूमता था, जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो। और इस बार उसका जो प्लान था, वो प्लान था एक म्यूजियम में चोरी करना, क्योंकि उस म्यूजियम में काफ़ी कीमती कीमती चीज़ें रखी हुई थी और उन चीज़ों पर ब्रैड की नज़र थी। ब्रैड एक मार्केट में खड़ा था और एक आदमी को देख रहा था। उस आदमी की गोद में एक बच्चा था और साथ ही साथ उसके बगल में उसकी वाइफ खड़ी थी। वो आदमी एक सिंपल फैमिली मैन था और ब्रैड उसी को घूरे जा रहा था। वो जो पूरी फैमिली थी वहाँ से जाने लगी और ब्रैड उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो उस फैमिली के घर तक पहुँच गया। वो जो आदमी था और उसकी जो फैमिली थी वो अपने घर में चली गई, और थोड़ी देर बाद उसकी जो वाइफ थी वो वहाँ पर आई और उसने उस आदमी से कहा, बाहर एक आदमी है जो कि काफ़ी देर से हमारे घर के बाहर खड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है वो, मुझे कुछ चोर लग रहा है। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब उसने अपनी लाइसेंस वाली बंदूक निकाली और बंदूक लेकर सीधा घर के बाहर पहुंचा। तो उसने देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैड ही था। वो आदमी ब्रैड के पास आया और उसने अपनी बंदूक दिखाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो, यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में ब्रैड ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। और फिर उस आदमी ने कहा, आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या बात करनी है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और उसके बाद ब्रैड ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ लियो। ये बात सुनते ही वो जो आदमी था उसके होश उड़ गए। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, लियो, कौन लियो, मैं किसी लियो को नहीं जानता। और फिर ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम दुनिया की नज़रों में धूल झोंक सकते हो मिस्टर लियो, लेकिन मेरी नज़रों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम्हारा असली नाम लियो है, तुम एक ज़माने में काफ़ी बड़े चोर हुआ करते थे, तुमने काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जैसे मैंने दिया है, तुम मोस्ट वांटेड चोर थे। सन 2002 में तुमने एक बैंक में रॉबरी करी थी, और वो रॉबरी इतनी क्लूलेस थी कि पुलिस तुम्हें पकड़ ही नहीं पाई, और पैसे मिलने के बाद तुमने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ दिया और एक आम जिंदगी जीने लगे। तुमने शादी कर ली और आज तुम्हारा हंसता खेलता परिवार है। लियो के माथे से पसीना टपक रहा था, और फिर लियो ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हें क्या चाहिए। जिसके जवाब में ब्रैड ने कहा, हाँ कहावत तो सुनी ही होगी, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। हाँ तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक प्लान बनाया है, एक चोरी है उसे अंजाम देना है, और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। जिसके जवाब में लियो ने कहा, अब मैं कोई चोरी नहीं करता, मैंने वो सारे काम छोड़ दिए। जैसे ही ये बात ब्रैड ने सुनी, तब ब्रैड मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुमने बुरे काम छोड़ दिए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ को बता देता हूँ ना कि तुम कितने बड़े
चोर थे अपने टाइम में। हाँ, जानकर काफी खुशी होगी तुम्हारी वाइफ को। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? अंदर। अरे सुनिए जरा, अरे लियो की वाइफ। और फिर लियो ने ब्रैड का मुंह दबाते हुए कहा, बस शांत हो जा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं चोरी नहीं करता। और फिर ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं करते तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तब मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, और फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ कैसे रहती है वो मैं देखता हूँ। मुझे पक्का यकीन है वो चोर के साथ रहना तो नहीं पसंद करेंगे। लियो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हाँ कह दी। वो दोनों घर के बेसमेंट में गए और वो दोनों प्लान बनाने लगे कि उन्हें चोरी कैसे करनी है। ब्रैड के दिमाग में एक काफ़ी एडवांस प्लान था। उस प्लान के मुताबिक लियो उस म्यूज़ियम के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा हैक कर लेगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो सारे दरवाजे हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और किसी भी चीज़ को छूने पर कोई अलार्म नहीं बजेगा। और वहीं दूसरी तरफ ब्रैड पावर रूम में जाकर सारी पावर को ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से पूरे म्यूज़ियम में अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही लियो और ब्रैड दोनों नाइट विजन गॉगल्स पहनकर मास्क लगाकर म्यूज़ियम में जितना भी कीमती सामान होगा सबको लूट लेंगे। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने प्लान को अप्लाई करना शुरू कर दिया। रात के वक्त लियो मास्क और गन्स लेके रेडी था। लियो ने उस म्यूज़ियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया, और वहीं दूसरी तरफ ब्रैड भी नॉर्मल वर्कर के कपड़े पहनकर पावर रूम में पहुंच गया और उसने वहाँ की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। उसने मेन पावर को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से पूरे म्यूज़ियम में अंधेरा छा गया। मौका पाते ही वो दोनों नाइट गॉगल्स पहनकर एक महंगी चीज़ों को चोरी करने लगे, और चोरी करते करते वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। ब्रैड और लियो के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने अपनी गन्स निकाली और वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स में और लियो और ब्रैड में लड़ाई हो गई। ब्रैड एक खूंखार चोर तो पहले से ही था, जिसे गन्स चलाना काफ़ी अच्छी तरह से आता था, और लियो भी एक काफ़ी पुराना खिलाड़ी था, उसे भी गन चलाना काफ़ी अच्छे से आता था। इसलिए उन दोनों ने अकेले ही वहाँ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे सबको ठिकाने लगा दिया और मौका देखते ही वहाँ से निकल गए। उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर सारी चीज़ों को छुपा दिया, और पूरे देश में ये बात आगे की तरह फैल गई कि म्यूज़ियम में काफ़ी महंगी महंगी चीज़ों की चोरी हो गई है। हर न्यूज़ चैनल पर यही बात बताई जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ लियो काफ़ी ज़्यादा उदास था। उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन उसे मजबूरी में एक बार फिर से चोरी करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड हंस रहा था। उसने हंसते हुए सारी चीज़ों को बाहर निकाला और कहा, मज़ा आ गया, हाँ इसको बोलते हैं पैसा। अब इन चीज़ों को डार्क मार्केट में बेचकर अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तभी उसने लियो को देखते हुए कहा, मान गया लियो तुम्हें, मुझे तो लगा था तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर सरेंडर कर दोगे, लेकिन मैं भूल ही गया था कि तुम काफ़ी बड़े चोर हो, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। इसमें से मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दूंगा, तुम और तुम्हारी फैमिली खुशी खुशी रहेगी। तभी ब्रैड को एक बॉक्स दिखा, और वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अजीब था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ पुराना सामान रखा हुआ है। और फिर ब्रैड ने उस बॉक्स को ठीक तरह से चेक किया तो उस बॉक्स पर एक काफ़ी पुरानी स्लिप चिपकी हुई थी, और उस स्लिप में लिखा हुआ था, डू नॉट ओपन। और जैसे ही ब्रैड ने ये बात पढ़ी तब उसने उस बॉक्स को तुरंत खोल दिया, और तुरंत उस बॉक्स को खोलते ही उसने देखा कि उसके अंदर एक हिरन की खोपड़ी पड़ी हुई थी।
ब्रैड को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या है ये। और फिर उस बॉक्स में ही एक सामान उसे और मिला, और वो सामान एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, कृपया करके ये जो हड्डी है इससे दूर रहें, इसके संपर्क में ना आए, वरना अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। ब्रैड ने फिर लियो से कहा, लियो तुम्हें क्या इस हड्डी जो भी है ये इसके बारे में कुछ पता है? और फिर लियो ने उस चीज़ को ध्यान से देखा, तब लियो ने कहा, इस चीज़ को फेंक दो जल्दी से, इस चीज़ से जितना दूर रहो उतना सही रहेगा तुम्हारे लिए। और फिर ब्रैड ने कहा, क्यों ऐसा क्या है इसमें? और फिर लियो ने कहा, ये कोई आम खोपड़ी नहीं है, दुनिया में कई सारे ऐसे जंगल हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, और वो आदिवासी काला जादू करते हैं, वहाँ जो ये खोपड़ी है इसे एक ताज के रूप में देखते हैं, और मरने के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो काला जादू करके मरने वाले की आत्मा को इसी ताज के अंदर कैद कर लेते हैं, और अगर कोई ये खोपड़ी पहन लेता है तब वो जो आत्मा इस खोपड़ी के अंदर कैद होती है वो उस आदमी पर कब्जा कर लेती है, और वो आदमी एक वेंडिगो बन जाता है। और जैसे ही ब्रैड ने ये बात सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, अच्छा और कुछ भूत प्रेत या पिशाच वगैरह नहीं बनता, सीधा वेंडिगो? क्या मजाक है, डार्क मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी? और फिर लियो ने कहा, डार्क मार्केट में इसे कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि सब इसकी हकीकत जानते हैं। और फिर ब्रैड ने कहा, फिर तो ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे फेंक देना ही ठीक है। और उसने मजाक में ही उस खोपड़ी को अपने सर पर पहन लिया। और फिर ब्रैड जो था उसने कहा, सही तो है, कितना बढ़िया लग रहा हूँ मैं, वाह एकदम फिट आ रहा है। और फिर लियो ने ब्रैड की शक्ल देखी, तब ब्रैड अचानक से चुप हो गया, और तभी ब्रैड अपना जो हाथ था वो मुंह में डालने लगा। लियो को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ब्रैड क्या कर रहा है, और तभी ब्रैड ने अपना हाथ खाना शुरू कर दिया। लियो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और घबराते हुए वहाँ से दूर हटने लगा, और तभी ब्रैड जो था वो धीरे धीरे एक आदमखोर में बदलने लगा। उसकी जो आँखें थी वो लाल होने लगी, और उसका जो शरीर था वो पतला होने लगा। पतला होते होते उसका शरीर इतना ज़्यादा पतला हो गया कि उसकी जो हड्डियाँ थी वो दिखने लगी, और फिर लियो को पता चल गया कि ब्रैड के ऊपर वेंडिगो की स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, और ब्रैड एक आदमखोर वेंडिगो बन चुका है। ब्रैड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जैसे तैसे भागा, लेकिन उसके पीछे पीछे वो ईवल वेंडिगो भी भागा। वो जो वेंडिगो था वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। लियो एक ऐसी जगह पर था जहाँ कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था, क्योंकि ब्रैड और लियो ने जगह ही ऐसी चुनी थी। उस जगह पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। लियो बस भाग रहा था और उसके पीछे वो आदमखोर वेंडिगो लियो का पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, और लियो उस पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। वो पुलिस वाला तुरंत गाड़ी से बाहर उतरा, और उसने देखा कि एक आदमखोर वेंडिगो जो कि खून से पूरा सना हुआ है वो पागलों की तरह भागता हुआ उसी कार के पास आ रहा था। वो ऑफिसर इतना ज़्यादा डर गया कि उसके पास बंदूक में जितनी गोलियाँ थी उसने सारी गोलियाँ उस वेंडिगो के अंदर उतार दी, लेकिन उस आदमखोर वेंडिगो को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसका जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने देखते ही देखते उस पुलिस वाले को बीच में से चीर कर रख दिया, और उस पुलिस वाले का मांस खाने लगा। लियो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने मौका पाकर तुरंत पुलिस वाली गाड़ी की ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ गया, और तुरंत उसने गाड़ी को पीछे किया और फिर से फुल स्पीड में उस वेंडिगो को टक्कर मार दी,
जिसकी वजह से वो वेंडी को थोड़ा दूर जाकर गिरा और उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर लियो वहां से निकल गया। लियो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था, तभी उसने देखा कि 4-5 पुलिस की गाड़ियां वहां आ रही थी। जब उन पुलिस की गाड़ियों में बैठे पुलिस ऑफिसर्स ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी को एक नॉर्मल बंदा चला रहा है, तब उन्हें शक हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत लियो की जो गाड़ी थी उसे रोक दिया। लियो ने घबराते हुए उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस वालों को सारी बातें झूठ लग रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ सुनकर वो सारे पुलिस वाले घबरा गए। उन सारे पुलिस वालों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल दी और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमखोर वेंडिगो। वो पुलिस वाले भी वहां से भागने लगे। उनमें से एक पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फोन किया और सारी बातें बताई। सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो वेंडिगो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसने तुरंत उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले उसके ऊपर जितना भी गोलियां चला रहे थे वो सारी गोलियां बेकार जा रही थी। उस वेंडिगो को कोई खरोच भी नहीं आ रही थी। उन पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो क्या हकीकत है, क्योंकि वेंडिगो सिर्फ किस्से कहानियों में मिलते थे, लेकिन एक आदमखोर खूनी वेंडिगो उनकी आंखों के सामने था। वहां पर ढेर सारी पुलिस आ गई और हेलीकॉप्टर आ गए। उन सब ने मिलकर गोलियों की बरसात कर दी और वो वेंडिगो वहां से जंगल के अंदर भाग गया। लियो वहां पर घायल हालत में पड़ा हुआ था और सारे पुलिस वाले टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर वो जंगल से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करने लगता तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए एक पुलिस वाले ने बताया कि वेंडिगो आग में जलकर मर जाते हैं या फिर उनके सीने में कोई लकड़ी से बना हथियार घुसा दिया जाए तब उनकी मौत हो जाती है। और तभी उन पुलिस वालों के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट को ऑर्डर दिया और वो हेलीकॉप्टर का पायलट उस हेलीकॉप्टर को जंगल के थोड़ा नज़दीक लेकर गया और काफ़ी ढूंढने के बाद वो आदमखोर वेंडिगो पुलिस वालों को मिल गया। उन सारे पुलिस वालों ने कई सारे ग्रेनेड उसी वेंडिगो के ऊपर फेंक दिए, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका हुआ और उस इलाके में आग लग गई। आग में जलने की वजह से वो वेंडिगो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी। उसकी आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता था। कुछ ही देर बाद उसी आग में से एक झुलसा हुआ आदमी निकला जो कि काफ़ी बुरी तरह से जला हुआ था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रैड था। वो पूरी तरह से झुलस चुका था, जिसकी वजह से वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस वालों को लगा कि शायद वो कोई आम आदमी है, इसलिए पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही ब्रैड की मौत हो गई। दो पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उनके शहर में कई सारे लोग गायब हो गए थे और वो कहाँ गए थे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़का भागता हुआ आया और उसने पुलिस वालों से कहा, ऑफिसर्स, मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। जब उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस बच्चे को इतना घबराते हुए देखा तब उन्होंने कहा, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? और फिर उस लड़के ने कहा, ऑफिसर्स, मेरे घर में एक चोर घुस गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जैसे ही ये बात उन पुलिस ऑफिसर्स ने सुनी उन्होंने अपनी गाड़ी को निकाला और उसे लड़के के साथ उसके घर के लिए निकल गए। वो लड़का उन्हें रास्ता बता रहा था, लेकिन वो जो रास्ता था वो काफ़ी घने जंगल से होते हुए जा रहा था। और जब उन्होंने उस लड़के का घर देखा तब पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो घर जंगल के बीचों बीच था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जंगल के बीचों बीच घर कौन बनाता है। ऑफिसर्स ने उस लड़के के घर के बाहर अपनी गाड़ी को रोका और उसके बाद वो लड़का और ऑफिसर्स बाहर निकले। ऑफिसर्स ने पूछा,
क्या तुम्हारा फैमिली मेंबर कोई अंदर है? जिसके जवाब में उस लड़के ने ना में सर हिलाया और वो पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन्स को लेकर उस घर में घुस गए। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई लेकिन उन्हें कोई भी चोर नज़र नहीं आया। तभी उस घर का जो फ़ोन था वो बजने लगा और जैसे ही वो फ़ोन बजा तब वो जो पुलिस वाला था वो फ़ोन की तरफ देखने लगा और तभी एक कमरे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों पुलिस वालों को देखकर हंसने लगा। उन पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उन पुलिस वालों ने पूछा, चोर कहाँ पर है? जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और हंसता ही रहा। और फिर एक ऑफिसर ने कहा, हम जाल में फंस गए हैं। और फिर दूसरे पुलिस वाले ने कहा, कौन सा जाल, कैसी बात कर रहे हैं आप? और फिर उस ऑफिसर ने कहा, इनके जो घर का फ़ोन था वो ठीक था लेकिन फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया बल्कि इनका बेटा खुद पुलिस स्टेशन में आया। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ तो इससे क्या साबित होता है? और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था वो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने एक आदमखोर वेंडिको का रूप ले लिया। और उन दोनों पुलिस वालों ने देखा कि वो बच्चा बाहर खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। इसका मतलब वो जो बच्चा था वो उन दोनों पुलिस वालों को धोखे से अपने घर के अंदर लेकर आया था ताकि उसके जो फादर है जो कि एक आदमखोर वेंडिगो है वो अपना पेट भर सके। और ये हकीकत जब उन दोनों पुलिस वालों को पता चली, उन दोनों पुलिस वालों ने अपनी गन्स को पॉइंट कर दिया उस आदमखोर वेंडिगो पर और ढेर सारी फायरिंग करी लेकिन उस फायरिंग का कोई असर नहीं हुआ और उस वेंडिगो ने दोनों पुलिस वालों का खेल खत्म कर दिया। कहते हैं कि आज भी वो लड़का अंधेरी सुनसान सड़कों पर घूमता है और लोगों से मदद मांगता है और जो इंसान उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है वो लौट कर फिर कभी नहीं आता। क्या आप उस लड़के के साथ उसके घर पर जाना चाहेंगे? हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी जो है वो कैसी लगी। और मैंने सोचा है कि मैं अघोरी की एक सीरीज़ को स्टार्ट करूँ। अगर आपको अघोरी की जो है वो सीरीज़ सुननी है तब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।